आइए हुई ना बात, बदबू से क्या आ रही है? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा हम कहाँ गए। ये जंगल कौन सा है? जंगल में मंगल करने आए थे हम लोग, पर मंगल गया कहाँ? लड भी मारेंगे, लड बजा जरा। ये दिमागदार होता कौन है यार? हाँ इसी से आ रही शायद से। हाँ चलो फिर, मैंने आज मुझे जो ऊपर रख दिया है ऊंची होगी मेरी मुझे तो। बाकी हेलो गाइस वेलकम बैक टू अदर व्लॉग, मिस से फिट होंगे अपने के साथ ठीक होंगे। तो बाकी फिर आज वाले व्लॉग की शुरुआत हो रही है धमाकेदार, एकदम मूछ चौड़ी करके, एकदम कैडी मूछ मर्द किसान। तो बाकी फिर अन्नी को मैंने फोन करके बोल दिया कि चलते हैं कहीं मस्त जगह। वैसे मैंने उसे बोला सुबह चलेंगे, उसका रात को मैंने फोन करा उसे, उसने बोला कि हाँ ठीक है 5 बजे चलेंगे। मैंने ठीक है 5 बजे चलेंगे, 5 बजे उसका ना फोन आया ना कुछ आया करा। मैंने अभी फोन करा, अलार्म लगाया था 5:30 का बजा, फिर मैं 8:30 बजे उठा। मैं भी ऐसे ही उठा फिर 8:30 बजे, क्योंकि नींद बहुत तगड़ी आ रही थी। बाकी फिर चलते हैं फिर अभी फिलहाल की कहीं और, जैसे आप लोगों को पहले ही बोलता, और गाड़ी की सर्विस करा दी है तो टेस्ट भी कर देंगे गाड़ी को, मतलब कैसी चल रही है, परफॉर्मेंस कैसी है, पहले जैसी है कि नहीं है, मतलब पहले से तगड़ी होगी होगी। तो बाकी चलते हैं फटाफट, और अभी मेरे को 2 दिन काम है तो 2 काम निपटा के आता हूँ। 2 hours later धूप देख रहे, पूरा सूरज चढ़ गया आसमान में। बोला था 2 काम निपटा के मिलता हूँ, 2 काम से कुछ ज़्यादा ही काम हो गया। बाकी फिर जो हन्नी राइडर था, हन्नी राइडर ने भी कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो बाकी अब कितने बज गए, 2:30 बज गए, और गर्म इतना लग रहा ना भाई, सच बता रहा, बाहर ना जाने का मन नहीं कर रहा। मेरा मन कर रहा था पंखे के नीचे से बैठा होता ना घर पे, वैसे ही बैठूँ, पर यार बाहर जाना पड़ेगा। तो बाकी फिर इतनी गर्मी में चल पड़े हम लोग आगे, अब कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। ये महान आदमी ने इतना लेट लगाया, पीछे चश्मा पहन के बैठ गया अभी ये। बाकी मेरे को भी 2-3 काम थे यार, वो भी निपटा उठा के, मतलब ये क्या लेट हो ही गया सुबह से, बहुत काम था यार, तो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, काम पे ही लगा हुआ था। बाकी फिर अब देखते हैं कहाँ चलते हैं, जहाँ भी चलेंगे मज़ा आएगा, मज़ा जितना भी आएगा वो सब दिखाते रहेंगे आप लोगों को। फिलहाल तो मेरा विचार है अभी मतलब कि जाने का कोई ऐसे पहाड़ या जगह पे जहाँ पे थोड़ी ठंडी हवा भी आए, और जैसे अभी धूप से थोड़ी राहत मिल जाए तो ठीक है फिर। हैं टंकी फुल करवा दी क्या? टंकी फुल? अरे अबे भाई ने करवाई, भाई चला गया ना ड्यूटी। अबे ये भाई ने करवाई थी परसों पूरी, उसने करवा दी थी, टंकी भी फुल है आज तो। मैंने फोन करा था मैं उनको, मैंने कहा मैं भाई कहाँ हो, कह रहा यार अब तो मैं दिल्ली पहुँच गया। मैंने आप पे हाँ परसों तो गया मैं रात को छोड़ने 11-10 बजे, अब लॉन्ग देख लू मेरा मैंने पहुँच गया अब तो। फोन करा मैं अगले दिन, मैंने कहा मैं भाई कहाँ हो, कह रहा यार मैं तो अभी दिल्ली पहुँच गया यार। कल करा होगा तूने, कल सुबह दिल्ली पहुँच गया था वो। बाकी अब वैसे ही आएगा वो 5-6 महीने बाद ही, तब फिलहाल तो भी चलते हैं फिर आज, मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ करेंगे व्लॉग स्टार्ट। फिलहाल वैसे दिन के तो 3 बज ही गए हैं, तो अभी ज़्यादा दूर जाके फ़ायदा नहीं है कुछ, क्योंकि जितनी भी मतलब जगह हम जाते हैं वो काफ़ी दूर दूर होती है, 30-40 किलोमीटर दूर कम से कम रोज़ जाते हैं। पर आज थोड़ा पास ही जा रहा है क्योंकि फिर टाइम भी ज़्यादा हो गया, फिर घर भी आना है अभी जल्दी। गर्मी से बचने का सबसे बढ़िया इलाज पहाड़ के पास आ जाओ, जैसे पहले बोलता भी चलते थोड़ा बहुत पहाड़ तक कहीं, तो सामने देखो पहाड़ आगे, तो भाई यहीं घूमते हैं मस्त पहाड़ में, थोड़ा देखते हैं भी आगे कहाँ चलते हैं। वैसे मेरे ध्यान में एक मतलब कि एक माइंड में एक जगह है, तो उधर की तरफ चलते हैं, वहाँ ठंडा भी होगा ठीक, वहाँ घूमते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं वो जगह। क्या है जाके गांव आगे छोटा सा, यहाँ मंदिर भी है जय माता दी। तो बाकी इससे हल्का सा और आगे चलेंगे अभी, मतलब ये है कि अभी हम जिस जगह घूम रहे हैं यहाँ पे, ये गाँव है, एक पहाड़ों में गाँव ही रहते हैं। हाँ यहाँ से नीचे चलेंगे ना, चढ़ाई देखने में लगती नहीं, मतलब ढलान है कितनी, सामने देख के बचता, मतलब चढ़ाई है कितनी है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है भयंकर। पहले तो अब ये रास्ता ना कच्चा था पूरा, जैसे मिट्टी वाला होता है वैसा रास्ता था ये पहले, अब थोड़ा बहुत मतलब कि अब थोड़ा बहुत पूरा ही ठीक बना दिया। एक बार आया था मैं यहाँ पर एक्टिवा में, एक्टिवा चढ़ी नहीं मेरे से यहाँ से ऊपर, बहुत ख़राब रास्ता था पहले, बहुत ज़्यादा ख़राब। वैसे मेरे को पता नहीं ये वाला रास्ता कहाँ ले जाएगा, ऊपर वाला रास्ता तो पता है, पर ये ऐसे आगे निकलेगा ऊपर ही, ऊपर की तरफ ही कहीं, तो देखते कहाँ जाता है ये रास्ता। रास्ता ये डेड एंड ही है, आगे तो रास्ता ही नहीं है, यह है रास्ता दीवार के पीछे नहीं है, तो वो तो बाउंड्री है, वो तो बाउंड्री है ना, रास्ता बंद है, वो प्लॉटिंग हो रही है ना वहाँ पे। ये रास्ता कहीं नहीं जा रहा, हम भटक के लग रहा है यहाँ पे, ऊपर वाला ही रास्ता होगा, मतलब ऊपर वाला रास्ता, के ऊपर वाला रास्ता ही है,
वहीं से चलते हैं। मेरे को लगा शॉर्टकट होगा इसलिए मैंने यहाँ गाड़ी डाल दी, पर आगे तो डेड एंड था पूरा, कुछ नहीं था। अब ऊपर चलते हैं। सोलर पैनल लगे हुए हैं यहाँ तो, बिजली इससे जनरेट हो रही है सारी। अच्छा है, थोड़ा गांव वाले एरिया में ऐसे ही रहता है, पावर प्लांट तो रहता नहीं, सोलर प्लांट लगा देते हैं जो धूप से ही सारी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। जरा बदबू से क्या आ रही है, बदबू जलने की, अबे जलने की गन्ने की नहीं, जलने की गन्ने की क्या, अबे थार नहीं, अबे शायद से ये होगा, अबे ये नए वाले ब्रेक शूज लगाए ना, वो तब गर्म से हो रहा होगा शायद से, वो तब वैसी आ रही होगी उसकी बास। काम तो बढ़िया कर रहे वो, हाँ इसी से आ रही है शायद से, वो प्लेट गर्म हो रही है ना। बाकी फिर हम लोग आज घूमते घूमते आ गए, वैसे तो कहीं और जाने का प्लान नहीं था, पर घूमते घूमते जंगल में आ गए। जैसे आप लोगों को दिख रहा पीछे जंगल, जंगल में मंगल करने आए थे हम लोग, पर मंगल का सामान था नहीं। बाकी फिर अभी यहीं रुके हुए थोड़ी देर, और जैसे पहले बोलता हूँ तो गर्म काफ़ी लग रहा है, तो वैसे तो हम सोच रहे थे कि इधर की तरफ कहीं हमें नदी दिखेगी तो वहाँ कूद जाएंगे, पर नदी के यहाँ तो एक नदी का नदी तो है पर एक नदी में पानी नहीं है, तो एकदम ही मतलब ऐसी था कि आज जल्दी तो मतलब कहीं जा नहीं सकते थे क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गई थी, और ऊपर से फिर कहाँ जाए, फिर पास वाली जगह की जगह कहीं भी जाते तो वही जा रहे थे हम लोग, रोज़ 30-40-45 किलोमीटर दूर ही जा रहे थे, तो ऐसे भी 3 बज गए थे जाते आते, टाइम मतलब काफ़ी लग गया था। तो फिर मैंने सोचा कि आज पास ही चलते हैं घूमने, तो फिर हम लोग यहीं आ गए। फिर मैंने सोचा कि ये मतलब हिल में भी है और थोड़ा वो भी है, ठंडी हवा भी आ रही है यहाँ पे, तो थोड़ी देर यहीं करते हैं मतलब माइंड को रिलैक्स करते हैं, फिर चलेंगे थोड़ी देर में। तो अभी हम लोगों को यहाँ से बैठ के ना नीचे की तरफ एक जगह दिखी, तो उसका रास्ता शायद से इधर की तरफ से तो बंद है, आगे से है जहाँ से वो थार दिखी थी जो नीचे से आ रही थी उस वाले रास्ते पे देख। ओ भयंकर, हम जा कहाँ रहे हैं, रास्ता है भी यहाँ पे, नहीं रास्ता तो जा रहा है पूरा नीचे, मेरे को ये दिखा यहाँ पे मेरा ये गड्ढा, मेरे को लगा है ही नहीं रास्ता आगे, अबे जा कहाँ रही है रोड, ये तो है ही नहीं कुछ रास्ता। देखो जरा हम आगे है कुछ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आज ऐसे ही भटक रहे यार हम लोग, भयंकर कोई जगह ही नहीं मिल रही आज। नीचे कुछ दिखाता वहाँ पे हमें, हमने वहाँ चलते हैं, है ही नहीं रास्ता वहाँ कोई, पूरा सुनसान दिख रहा है, एक गाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही। एक गया कहाँ है आगे, यहाँ पे तो रास्ता जा रहा पर आगे तो जंगल में ही जा रहा, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा हम आ कहाँ गए, ये जंगल कौन सा है क्या जंगल में, हैंग पूरा आगे जंगल ही जंगल, कुछ भी नहीं दिख रहा यार आगे का। छोड़ यार इतना भी ऑफ रोड नहीं करना गड्ढे गड्ढे भी हो रखे हैं, तो इतना भी नहीं ऑफ रोड करनी, कुछ ज़्यादा ही वैसे भयंकर ही ऑफ रोड है यहाँ पे, खचाखच चल रही है भयंकर, जंगल जंगल है पूरा, वो तो गुज्जर का होगा ऐसे ये रास्ता। हाँ आज भयंकर हम लोग मतलब एक तरह से वही है, रास्ता ही भटकते रहे थे उससे उधर पहुँच ही नहीं पाए, मतलब जहाँ में जाना था मतलब जाना था वहाँ तो पहुँच गए, पर जिस जगह के लिए हम आए थे वो जगह में मिली नहीं, रास्ते ही भटकते रहे थे। सारा काम पता है कहाँ ख़राब होता है, जब अगर सुबह कुछ काम हो जाए ना और अगर उसमें फंस जाओ सारा काम वहीं ख़राब होता है। जैसे अभी पिछले हफ्ते तक सुबह के टाइम कुछ काम नहीं था, आराम से मस्त हम सुबह के टाइम निकल जा रहे थे, अब सुबह के टाइम ना काम पड़ गया था मेरे को, दो काम थे महंगा, पहले वो निपटाए फटाफट, उसमें लग गया टाइम ज़्यादा। अभी वही कह रहा है, अभी मेरे को भी फिर काम पड़ गया था ना, फिर बाजार गया था, बाजार में टाइम लग गया, बाजार में वैसे फिर उसके 9 बजे के बाद भीड़ स्टार्ट हो जाती है, वहीं में फंस गया एक तो फिर टाइम नहीं मिलता, यही तो है। फिर जैसे आज सुबह से काम ही था, अब निकले हम लोग 2:30 बजे करीब निकले थे, वही अगर सुबह से काम पड़ गया तो दिक्कत सारी वहीं ख़राब होती, जैसे आज सुबह काम पड़ गया सारा मतलब दिक्कत वहीं से शुरू हो गई थी काम से, अगर काम नहीं होता ना हम आराम से निकल जाते हम 11 या 12 बजे तक, आगे ना गर्म लगने लग गया, वहाँ तो थोड़ा ठीक भी लग रहा था, यहाँ तो फिर दोबारा तुम्हें तो ठीक लग रहा होगा, जैसा पहना होगा क्योंकि इसने धूप इतनी लगती नहीं ना फिर। बाकी फिर अभी घर ही चलते हैं यार, अभी घर जाके मैं पता क्या पीऊँगा, जड़ी बूटी का पानी, जड़ी बूटी का पानी, हाँ बस हिमालय से, हिमालयन गया था मैं पिछले साल, हाँ दाढ़ी वहीं से तो बढ़ी हुई थी यहीं कटवाई। अबे ये साइड करने गया था क्या करने गया था ये,
आइए हुई ना बात, लड भी मार इनके, लड बजा जरा। अबे लड भी बजाता इनके। अभी बन गया था पुलिस वाला नहीं। महंगा वहाँ ग्रीन लाइट होगी तब भी आए जा रहे, आए जा रहे, आए जा रहे। एडवेंचर करके हम लोग घर आ गए। एडवेंचर गया, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक रास्ता था वो, आगे रास्ता ही नहीं था, डेड एंड था पूरा। तो बाकी वजह से आप लोगों को बोलता कि घर चलते हैं और जड़ी बूटी का पानी पियेंगे। तो मैं कौन से जड़ी बूटी के पानी की बात कर रहा था आप लोगों को दिखाता हूँ। यह वो जड़ी बूटी का पानी जो मैं आप लोगों को कह रहा था, यह बुरांस का जूस, जो कि मतलब कि रियल जो फूल होते हैं ना उसमें से जो रस निकाल के रखते हैं वो ये होता है बुरांस का। देख रहे लोग और जितने भी पहाड़ी लोग हैं तो उन लोग वो लोग समझ गए होंगे मतलब कि बुरांस का जो फूल होता है, जो फल फूल होता है जो, उसका मतलब रस कैसे निकालते हैं और कैसा मतलब टेस्ट होता है पीने का, काफ़ी मस्त होता है। तो हम वहाँ गए थे फ्लावर फेस्टिवल में, तब हम लोग ये वाला पूरी बोतल उठा के लेके आए थे 2 लीटर वाली, तो अभी ये पी लिया, इतना तो मैंने उस टाइम पी लिया था, अभी इतना फुल बचा हुआ, तो ये गर्मियों के लिए रखा हुआ बचा के। फटाफट ये बनाते हैं और फिर उसके बाद पीते हैं। फिर मैंने अपना जड़ी बूटी वाला जूस बना दिया, देखो कितना मस्त लग रहा है। लाल वाला जूस पीते हैं और मतलब कि मैं तो अभी 2 गिलास पीने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी तगड़ी गर्मी लगी जैसे हम घर आए ना। वैसे और टाइम जैसे मैं घर आता हूँ ना, तब वैसे बाहर से गर्म कुछ ज़्यादा ही काफ़ी लगता है, तब मैं यही पीता हूँ। पर आज मैंने आप लोगों को दिखाया कि मतलब जड़ी बूटी का जो वो है फूल का रस, तो आज मैं वो आप लोगों को दिखाया मतलब कैसा होता है, लाल होता है पूरा जैसे खून होता है। तो बस फिर ये खून के लिए भी अच्छा है, बॉडी के लिए भी अच्छा है, हर सब चीज़ के लिए अच्छा है। तो पीते हैं फिर इसे, 2 गिलास पीऊंगा मैं और आप लोगों को थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। जैसे आप लोगों को बोला था ना कि शाम को कहीं जाने का प्लान बन सकता है, अगर कुछ बनेगा तो फिर आप लोगों को दिखाते बताते हैं आगे का। One hour later. जड़ी बूटी का सूप कह रहा, जूस पिया था, वो जूस था। तो बाकी फिर उसके जैसे बोला था आप लोगों को मतलब शाम को कहीं जाने का प्लान है, तो प्लान था, पर ये हुआ कि मेरे को जैसे आप लोगों को मैंने पहले बोला ना कि आज सुबह भी काम था और फिर मेरे को दोबारा काम आ गया था, फिर मेरे को दोबारा जाना पड़ा कहीं अपने दोस्त के साथ। तो फिर बाकी फिर अब आया हूँ मैं घर, अब कितने बज गए, 7 बज गए। तो फिर बाकी अभी घर पर कोई नहीं है, तो अभी मम्मी पापा जा रखे हैं जरा इवनिंग वॉक के लिए, तो इवनिंग वॉक के लिए जा रखे कैंट एरिया तक। थोड़ा सेहत बनानी चाहिए सब किसी, हर किसी को सेहत बनानी चाहिए। तो बाकी फिर मम्मी पापा तो घूमने जा रखे भी, तो बाकी फिर मैं घर पे ही हूँ। तो बाकी फिर अब तो कहीं जाना है नहीं, तो बाकी घर पे ही नाश्ता पानी खाना पीना करेंगे अपना, जो भी करेंगे वो भी बिहाइंड द कैमरा करेंगे। तो बाकी तो फिर आज के व्लॉग में इतना ही था, बाकी कल देखते हैं। मतलब कि आज ये हुआ कि काम ज़्यादा था ना, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पाया आज सुबह से, मतलब कि काम, उसके ऑफिस वहाँ से आया, फिर वहाँ चल चलेंगे, 5:30 निकलना था, उससे पहले मैं आधे घंटे पहले ही निकल गया कहीं और। तो बस ये है कि आज और दिखा नहीं सकता मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल भी रहती है कि हर टाइम मतलब कैमरे में नहीं दिखा सकता। तो बाकी फिर वो दिखाया नहीं मैंने, तो बाकी फिर छोड़ो वो चीज़, वो मेरे काम की चीज़ है, आप लोगों के काम की चीज़ नहीं हो। तो बाकी फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाकी फिर आज थोड़ा थक भी लग गया क्योंकि सुबह से काम 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 काम। आज के ब्लॉग में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, जितने नए लोग तो हिट सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग तक, गुड बाय, जय हिंद। आगे की तरफ देखते कहाँ चलते, अभी फिलहाल तो अभी यहाँ पे थोड़ा बैठने में मज़ा भी आ रहा है काफ़ी, और हॉर्न मार के आ रहा दिख तो रहा गाड़ी आ रही, ये भी महंगा बहुत वैसे रहते हैं हैवी ड्राइवर से कुछ ज़्यादा। धीरे मुझे दिमाग से दिख गया कि वहाँ से आ रहा है गाड़ी लेके, ठीक है हॉर्न मार रहा।